नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बेहद ही कम है। यूपी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप और शीतलहर की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कोहरे का भी कहर अगले तीन दिन तक जारी रहेगा। अगले तीन दिन तक ठंड से भी राहत के आसार नहीं है। तो बता दें कि कानपुर में 3 डिग्री तक तापमान जो है वो गिरा है, साथ ही साथ कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे ने वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगा दिया है। तो लगातार विजिबिलिटी कम होने की वजह से चालकों को परेशानियां हो रही है। पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में इस वक्त नजर आ रहा है। घना कोहरा कहीं ना कहीं लोगों के लिए सतम बना हुआ है। हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे कि आखिर किस तरीके से यूपी ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। अगले तीन दिन तक राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। ट्रिपल अटैक देखने को मिला, एक तरफ ठंड शीतलहर, दूसरी तरफ कोहरे की वजह से आए दिन सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे हो रहे हैं और शीतलहर की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। जो लोग गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं वो गाड़ी की लाइट जलाकर सड़क पर चल रही है दिन में भी, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा है कि 10 से 20 मीटर भी सामने दिखाई नहीं दे रहा। ये 6 तस्वीरें आप देख सकती हैं, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, आगरा और मिर्जापुर की। अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में आप देख सकते हैं किस तरह से फॉग की वजह से हर तरफ सफेद धुंध दिखाई दे रही है। लगातार इसी तरह की स्थिति अलग अलग शहरों में बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले तीन दिनों तक राहत के आसार नहीं है, जो अलर्ट जारी किया गया है और ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो देखिए शहर शहर शीतलहर का कहर लगातार जारी है। चाहे तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, इसके साथ साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू श्रीवास्तव वाराणसी से, अमरेश पटेल रायबरेली से, धर्मराज त्रिपाठी सीतापुर से और साथ ही साथ शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले शुभम आपका रुख मैं कर रही हूं। देखिए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लखनऊ का क्या हाल है, किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखा दें। इस वक्त ठीक पीछे आप देख सकते हैं मेरे कि घना कोहरा और इतनी कोहरे की मोटी चादर है कि कुछ भी जरा सी भी दूरी पर सामने की तरफ नहीं दिख रहा, 1-2 फीट की भी विजिबिलिटी नहीं है। सुबह अभी दफ्तर आने के दौरान भी इस तरह की तस्वीर अलग अलग जगहों पर लोगों की देखी, जहां पर लोग गाड़ी रोक करके लोगों को पास दे रहे हैं, बिल्कुल भी लोगों को नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की उम्मीद है और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आप खुद भी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कोहरा कितना घना है और इस सुबह राजधानी लखनऊ का एकदम पॉश इलाके में हूं मैं, सबसे जरा क्राउडेड इलाका है वो, उस जगह पे भी आप देखिए कि कितना डेंस कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को अभी सुबह ही लाइट जलानी पड़ रही है और इस कोहरे के बीच से निकलना पड़ रहा है। काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जिला प्रशासन और तमाम लोगों की तरफ से इसको लेकर के व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अलग अलग ऐसी जो तमाम जगह हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन से उन तमाम जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके। फिलहाल अभी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किसी भी तरह से ठंड से राहत के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। राजू श्रीवास्तव का रुख करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। राजू, वाराणसी की अगर बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति शहर में, क्योंकि अगले तीन दिनों तक फिलहाल राहत के आसार नहीं है, ऐसे में जो तमाम लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं या फिर जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम शहर भर में किए गए हैं? इन दिनों फिकर रही है, सर्द हवाएं जहाँ लोगों को परेशान कर रही है, वही घना कोहरा लोगों का रास्ता रोकती नजर आ रही है। मेरी न्यूज स्टेट की टीम के साथ लोगों से अपील है, दर्शकों से, कि जब भी सड़कों पे निकले तो हेडलाइट और इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जिंदगी कम होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही है। बारिश नगरी पार्टी के घाटों की बात करें तो घाटों पर लोग स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन ठंड इतना ज्यादा है, कोहरा इतना ज्यादा है कि लोग स्नान करने से बच रहे हैं। हालांकि आस्था इस समय ठंड से ज्यादा प्रबल है।
और चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे अलग अलग।